सो अभी हम लोगों का ये गेम इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इस गेम को ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे कि इस गेम के अंदर है क्या, इस गेम पे क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस गेम को ओपन करते हैं। ओके, तो ये गेम ओपन हो रहा है। ये गेम नेट इज गेम्स का गेम है। मैंने नेट इज का शायद पहले भी एक गेम का वीडियो बनाया था, मैंने किसी और गेम का वीडियो एक बनाया था, मतलब इंट्रो बनाया था, उसके बाद एक ही वीडियो बनाया, उसके बाद बनाना नहीं था। तो देखते हैं कि इस गेम का मैं आगे भी बनाता हूँ या नहीं। लेकिन अभी तो इसका जो इंट्रो दिखा रहा है ना, ये वाला तो काफ़ी कूल है। यहाँ पे जो म्यूजिक है वो काफ़ी कूल है। आप लोग शायद सुन नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एंड्रॉइड 9 ही है, तो एंड्रॉइड 9 पे हमारा इंटरनल ऑडियो नहीं आता है। तो जो भी हो, अभी ये हमारा हो गया, ये इंट्रो ख़त्म हो गया। अभी हम लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे टू एवर लॉस ऑफ डेटा ऑथराइज स्टोरेज परमिशन। ओके, स्टोरेज परमिशन हम लोगों को देना पड़ेगा, ये ऑब्वियसली देना पड़ेगा। अभी हम लोग एज ए गेस्ट ओपन करते हैं, गूगल प्ले या फेसबुक नहीं करते। आप लोग अगर परमानेंट खेलते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं मतलब आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या है ये नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग गेस्ट पे स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने गेस्ट पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे हम लोगों का अनाउंसमेंट कुछ दिया है, चलिए अनाउंसमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग स्टार्ट पे चले स्टार्ट करते। ओके, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले शायद मैंने जैसे सुना था जो पीसी गेम की तरह आप लोगों को रेस सिलेक्ट करने देगा। तो यहाँ पे कुछ क्लोन एक्टिवेटिंग करने की बात कर रहा है, तो चलिए इसको स्किप करते। स्किप नहीं हो रहा, तो देखते हैं ये। ओके, यहाँ पे हम लोगों का रेस सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जैसे पीसी में होता है वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे चार अलग अलग रेस है, एक अमार, गलंते, कलदारी और मिनमातार। तो इनका अलग अलग मोटो है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। अमार का मोटो देयर इज वन गॉड, गलंतर का फ्रीडम इज प्राइसलेस, कलदारी का ऑर्डर लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिनमातार का नेवर गिव इन। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी रेस सिलेक्ट करके चाहिए, आप लोगों का जो गेम है उसमें ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस क्या होता है, अलग अलग रेस पे आप लोगों का वेपन शायद कुछ अलग अलग रहता है इनिशियल पे, लेकिन आगे जाके आप लोग जो शिप खरीदेंगे उसके हिसाब से ही आप लोगों का वेपन्स या फिर आप लोग क्या करेंगे वो डिसाइड होगा। आपका रेस आप लोगों का गेम के आगे कुछ डिसाइड नहीं करेगा, बस आप लोगों का जो स्पॉनिंग एरिया है ना, स्पॉनिंग रीजन है, वो आप लोगों का ये सिलेक्ट करेगा। आप लोगों का उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों का कहाँ पे कौन से रीजन पे सिलेक्ट होंगे वो होगा। तो मैं यहाँ पे मिनमातार को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगा ये वाला, इसका मोटो जो है नेवर गिव इन, ये वाला अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग पहले आके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमर का क्या है स्पेशलिटी, लेजर ड्रोन आर्मर। हमारा गैलेंटी का रेलगन ड्रोन आर्मर, कालदारी का रेलगन मिसाइल शील्ड और मिनमातार का कैनन शील्ड आर्मर। तो ओके, हम लोग मिनमातार को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे थोड़ा इसका स्टोरी है, तो स्टोरी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या क्या शिप है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों को ये चौथा शिप अच्छा लगा, क्या ये सिलेक्ट करने से कुछ होता है क्या, ये पता नहीं। ओके, यहाँ पे अभी हम लोगों को ब्लड लाइन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो तीन अलग अलग तरह का ब्लड लाइन देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग ब्लड लाइन पे हम लोगों का ब्लड लाइन के अंदर अलग अलग कैरेक्टर है, तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा ही है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है कोई, जो मैंने सोचा था जैसा होगा वैसा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सेबियस्टोर, ब्रूटोर, वेरोकियार, भाई क्या क्या ये एलियन स्पीशीज का नाम है भाई। ऑब्वियसली ये गेम आप लोगों को अभी तक पता है नहीं, तो ये एक्चुअली पूरा यूनिवर्स टाइप का गेम है। यूनिवर्स पे आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, यूनिवर्स पे आप लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं, आप लोग पायरेट बन के दूसरों को मार सकते हैं, आप लोग माइनिंग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे और कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब माइनिंग करना ही वही सेम बात है। आप लोग डिलीवरी दे सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की तरह काम है।
और आप लोग सेल भी कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री बनाते हैं शिप्स या फिर कुछ आइटम्स बनाते हैं, उनको आप लोग खरीद के आप लोग दूसरों के साथ डील करके मतलब बेच सकते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए कौन से इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे देखिए। मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है कोई भी, मुझे मतलब चलिए इसको लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को एक नेम ऑटोमेटिक दिया जाता है, अगर आप लोग नहीं रखना चाहते तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैं तो अपना शैडो पैराडॉक्स ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मिलता है या नहीं कंफर्म आइडेंटिटी। ओके, ब्रेन स्कैनर कुछ चेक कर रहा है कि ये सेम नेम का कोई है क्या नहीं, तो कोई नेम नहीं है, तो यहाँ पे ओके हो गया। ओके, हमारा शैडो पैराडॉक्स बन गया एक आईडी ईव इकोस पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके अंदर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टोरी बताएगा शायद, स्टार्टिंग पे कोई स्टोरी बताएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। यहाँ पे भाई स्किप करने के कोई ऑप्शन होगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे क्या लैग हो रहा है क्या, ये क्या अटक गया? नहीं, लैग नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टोरी इस तरह का ही दिखा रहा है, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई स्टोरी है, मैं कहाँ पे स्किप ये सब हम लोगों को नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्यूटर है उसका आवाज हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, ये वाला हम लोग लेते हैं, यंग गर्ल। ओके, इसको हम लोग ओके करते हैं। ओके, मैं 9 times क्लोन हो चुका ऑलरेडी भाई, इतने सारे बार क्लोन हो चुका हूँ, तो अभी भी क्या मैं खुद हूँ या कुछ और हूँ ये बोल रहा है। तो जो भी उसके स्टोरी को हम लोग स्किप कर सकते थे अच्छा होता, लेकिन स्किप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ होगा शायद, कोई स्टोरी होगा शायद, इसीलिए ये स्किप नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई ड्रोन आ रहा है सामने, इसीलिए ये दिखा रहा है ऐसा, मेरा एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो रहा है ये कुछ बोल रहा है। स्वाइप स्क्रीन टू टर्न द कैमरा। ओके, यहाँ पे ओके स्किप करते हैं, स्किप किया जा सकता है तो स्किप करते हैं। ओके, स्किप कर दिया हम लोगों ने। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट सीन कहाँ पे आएगा? ये गेम 1.8 GB का है डाउनलोडिंग के वक्त, उसके बाद तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो हाई एंड फ़ोन चाहिए होगा ऐसा लग रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल फ़ोन लेंगे तो ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग घूम घूम के देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। Disturb enemy until we confirm, please lock the target. Target lock करना है, लेकिन enemy कौन है भाई? ये क्या, ये तो नहीं होगा शायद। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने lock करना है enemy को। ओके, एनिमी को लॉक करना है। अरे भाई लॉक नहीं हो रहा है क्या, बार बार लॉक नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे लॉक हो चुका है एनिमी, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। ओके, एनिमी तो लॉक हो चुका है। ओ, हम लोग गोली चला रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है क्या। अरे भाई, ओके एनिमी खत्म हो गया, अभी हम लोगों को क्या करना है। एनिमी रिइंफोर्समेंट आ रहा है, एनिमी रिइंफोर्समेंट किस तरफ से आ रहा है, ये क्या है भाई,
सीनर तो अच्छा है, बढ़िया है, सीन बढ़िया लग रहा है। एनिमी किधर है, किधर है, किधर है, एनिमी किधर है, एनिमी किधर है? ओके, टैप इजी लॉक ऑन द मेन इंटरफेस टू लॉक ऑन द टारगेट। इजी लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इजी लॉक हो चुका है हम लोगों का। अभी यहाँ पे हम लोग शूट करेंगे शायद। यहाँ पे शील्ड बूस्टर क्या है ये भाई? हम लोगों ने शील्ड एक्टिव किया, अभी हम लोग इसको मारेंगे। कैसे मारेंगे? मारो भाई मारो मार। ये क्या है? होल्ड व्यू शिप्स वेपन वर्ल्ड। ओके, मार रहा है ये, देखते कि कितना टाइम लगता है मारने पे। तो 6 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। एज ए शिप, स्पेसशिप के हिसाब से इतना ज्यादा तो दूर लग नहीं रहा है, लेकिन टाइम कितना ज्यादा लग रहा है। ओके, एक गया, दूसरे को मारो 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 जल्दी भाई मारो। ओके, मार रहा है, मार रहा है। ओके, ये खत्म होगा। हाँ, और थोड़ा नहीं हो रहा है ये, क्या छुप रहा है? ओ, हो गया, खत्म हो गया। ओके, हम लोगों को अभी शायद नेक्स्ट टारगेट पे जाना होगा। तो नेक्स्ट टारगेट तो नहीं, नेक्स्ट मिशन पे शायद लेके जा रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर अभी भी कोई सीन दिखाएगा। ओके, मुझे भागने के लिए बोल रहा है हम लोग, मतलब फाइट करने के लिए नहीं बोल रहा है, हम लोगों को भागने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है हम लोगों के शिप पे भाई। खत्म, हम लोगों का शिप खत्म। क्लोन एक्टिवेट होने की बात कर रहा था, इसका मतलब हम लोग किसी दूसरे जगह में जिंदा होंगे शायद। क्लोन एक्टिव हो गया, कहाँ पे जाएंगे अभी? ओके, किसी और जगह में हम लोग आ गए, इसको स्किप कर देते हैं। क्या है? वेलकम बैक बोल रहे हैं हम लोगों को। ओके, यहाँ पे कोई प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो गया है बोल रहा है, फ्लैक्स दे रहा है कुछ ऐसा बोल रहा है। फ्लैक्स क्या है भाई यहाँ पे? ओके, हमारा ये हो गया। अभी हम लोग कैसे जाएंगे आगे, आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे? चलिए देखते हैं कि कैसे बढ़ते हैं। शिप स्टॉप क्यों हो रहा है? शिप का स्पीड कम हो रहा है, शिप स्टॉपिंग बोल रहा है। तो कुछ मिसाइल है, मिसाइल है, मिसाइल है, मिसाइल है, कहाँ पे मिसाइल है, कहाँ पे छोड़ेंगे? शिप स्टॉप हो चुका है हमारा, हम लोगों को कहीं पे जाना है, लेकिन कहाँ पे जाना है? बिगिनिंग टो ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, पायलट का ट्रेनिंग होगा। देखते हैं पायलट ट्रेनिंग कैसे करते हैं। सुपर स्क्रीन तो टर्न द कैमरा, हाँ पता है भाई, ये तो पता है। स्क्रीन को स्वाइप करके करते हैं। ओके, और जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं हम लोग इसको पिंच करके। ओके, ये भी हो गया। हम लोगों का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? पिंच फिंगर्स अवे, जूम इन, हाँ हो गया। ये क्या ट्रेनिंग दिखा रहा है भाई? अभी क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्या होगा? ओपन द ओवरव्यू, टैपिंग द ओवरव्यू बटन अंडर राइट साइड। अब क्या है ये वाला ओवरव्यू? ओके, यहाँ पे शायद हम लोगों का मिशन का बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्या है? ऑल पे क्लिक करना है और स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन पे क्लिक करना है।
ओके, ये क्या क्या हो रहा है? डॉक करना है? ओके, डॉक करते हैं तो डबल क्लिक स्पेस स्टेशन। ओके, डॉक। ओके, डॉकिंग हो रहा है हम लोगों का, धीरे धीरे डॉकिंग हो रहा है। टाइम लगता है शायद। ओके, डॉकिंग कंप्लीट हो गया भाई। ये गेम सीखने पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इतना जल्दी तो सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे मुझे जितना पता है, मतलब जितना सुना मैंने, ये गेम काफी मजेदार है। मतलब जो लोग क्या करते हैं, मतलब रोल प्लेइंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मजेदार गेम है। लेकिन मुझे, मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है कि मुझे ये गेम अच्छा नहीं लग रहा है। अभी शायद फ्यूचर में खेलता रहूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है और इसी वजह से मैं ये गेम खेलने नहीं वाला। और प्लस यहाँ पे मेरा मोबाइल इस गेम को सह भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, इसीलिए मैं ये गेम खेलने नहीं वाला हूँ। तो अगर आप लोग खेलते हैं तो हम लोगों को, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कैसा है ये गेम, आप लोग क्या कर रहे हैं इस गेम पे, वो भी बताइएगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और इस गेम को मैं अनइंस्टॉल करूँगा। इस गेम को मैं खेलने नहीं वाला, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो जो भी हो, सबका पसंद अलग अलग है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।